नमस्कार, मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया फर्स्ट। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता दें, कन्नौज के सिकंदरपुर विद्यालय में अध्ययन करने वाले छात्र छात्राओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए बताया, इस विद्यालय में एनसीसी कराई जाती है, जिस कारण सारे छात्र छात्राएं विद्यालय में प्रवेश लेते हैं, लेकिन हम लोगों को अब पता चला है कि एनसीटी समाप्त हो गई है। विद्यालय में प्रबंधक और प्रधानाचार्य एनसीसी के एएनओ माध्य आपसी तालमेल ठीक न होने के हमेशा के लिए एनसीसी में बाधाएं उत्पन्न होती रहती हैं। एनसीसी कार्यालय फतेहगढ़ में जाकर पता किया तो बताया गया, विद्यालय में 20 से 22 की एनसीसी भर्ती नहीं की जाएगी, क्योंकि आपका विद्यालय एनसीसी चलाने में कोई रुचि नहीं रखता है और इसीलिए उस विद्यालय प्रिंसेस टी समाप्त की जा रही है। इस कारण छात्र छात्राओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन कर जिलाधिकारी से एनसीसी को पुनः बहाल कराने के लिए गुहार लगाई है। संवाददाता शिवम सैनी की रिपोर्ट। नाम है आपका? सूर्यकांत दुबे। आज आप लोगों ने किस कहाँ आए हुए हैं? डीएम ऑफिस। किस लिए आ जाए हुए हैं आप लोग? हमारे कॉलेज की एनसीसी समाप्त कर दी गई है। किस स्कूल की बात है ये? तो आप लोगों की क्या मांगे हैं आज? हमारी मांग सिर्फ एक ही है कि हमारे कॉलेज में शस्त्र भी 21-22 की जल्द से जल्द भर्ती कराई जाए। अगर भर्ती ना कराएगी तो आप लोग? भर्ती ना कराएगी तो हम सभी छात्र छात्राएं इस बात पे मजबूर हो जाएंगे कि भूख हड़ताल करनी पड़ेगी। कितने छात्र आज लगभग आपके साथ आए हुए हैं? कम से कम 250-300 बच्चे, अगर जरूरत पड़ी तो पूरा कॉलेज यहाँ पर इकट्ठा होगा, सभी छात्र छात्रा। लगभग कितने बच्चों के पास एनसीसी है? अभी कम से कम 100 बच्चों के पास एनसीसी है। आज आप लोग कहाँ आए हुए हैं? डीएम ऑफिस। किस लिए? हमारे कॉलेज में एनसीसी समाप्त कर दी गई है। तो आप लोगों की क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं हमारे कॉलेज में एनसीसी की भर्ती करवाई जाए। अगर भर्ती ना हुई तो आप लोग क्या करेंगे आगे? हम लोग यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। किस कॉलेज की बात है ये? बीएसएसआईसी सिकंदरपुर कन्नौज। यहाँ से आपको क्या अनुशासन मिला? यहाँ से बस यही बोला कि हाँ हो जाएगा, बोला जल्द से जल्द कार्रवाई।